जबलपुर के गोहलपुर इलाके में 16 दिसंबर की रात सनसनीखेज हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है, दानू जब होटल में अपने साथियों के साथ बिरयानी खाने गया, उसी समय तनवीर और उसके साथियों ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। तनवीर और दानू के बीच पुराना विवाद था, जिसमें गवाही बदलने की बात चल रही थी। इसी मामले को लेकर बीती रात तनवीर ने राशिद की उस समय हत्या कर दी, जब वह अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर बिरयानी खाने गया था। गोहलपुर पुलिस ने हत्या के बाद फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश करते हुए तनवीर के आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी तनवीर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 16/9/2020 को थाना गोहलपुर स्थित नई बस्ती के पास एक होटल में दो पक्षों के बीच में वाद विवाद हो गया था, जिसको लेके एक आदतन अपराधी दानू उर्फ राशिद और तनवीर, ये दो पक्ष थे, तनवीर का गुट, इनके बीच में चाकूबाजी हुई। तो इसमें राशिद उर्फ दानू की चाकूबाजी में मृत्यु हो गई थी, जिसमें तनवीर और उसके साथियों के खिलाफ आरोप लगा था, जिसमें से 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तनवीर अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दानिश राशिद उर्फ दानू एक आदतन अपराधी था,